एकदम फुल पटियाला सलवार कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो देखिए, फुल पटियाला सलवार बनाने के लिए मैंने 3.5 मीटर कपड़ा लिया है और ये हाफ मीटर मैंने बेल्ट के लिए अलग से कट कर लिया है। 3 मीटर कपड़ा हमारा ये है। तो अभी आपको बताती हूँ एकदम फुल पटियाला सलवार कैसे बनाएं। तो देखिए, जो सलवार है उसकी लंबाई है 39 इंच और जो मोहरी है वो है 9 इंच और जिसकी जो सीट है वो 26 इंच है। तो अब सबसे पहले मैं आपको कली और सेंटर पार्ट कटिंग बताती हूँ, उसके बाद बेल्ट। तो देखिए, जो हमारा ये 3 मीटर कपड़ा है इसमें से पहले हम सेंटर पार्ट निकालेंगे। जैसे मैंने आपको बताया लंबाई इसकी 39 इंच है, तो उसके लिए हमको ये 34 इंच ये वन पीस सेंटर पार्ट के लिए निकालना पड़ेगा, क्योंकि 33 में हमको तैयार चाहिए और 1 इंच हमारा मार्जिन चाहिए जो कि नीचे मोहरी में भी स्टिचिंग होगा और ऊपर बेल्ट अटैच करने में भी। तो ये 34 इंच हम इसमें से कट कर लेते हैं। देखिए, इसकी लंबाई मैंने 34 इंच कर ली है, कट कर लिया है और इसको कट चाहिए सेंटर का। जैसे ये इसकी विड्थ काफ़ी है तो हमको इतना विड्थ नहीं चाहिए, नॉर्मल हमको 14 इंच चाहिए। तो देखिए, ये इसका विड्थ हमको 14 इंच लेना है और जो ये एक्स्ट्रा पीस है इसको हम कट कर देंगे, जो कि हम नीचे मोहरी और नाड़ा बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो देखिए, ये 14 इंच में हमको जो कली ज्वाइंट करेंगे, आप 1 इंच उसका मार्जिन ले लें तो आप 8 इंच ले लें इसको, क्योंकि आप दोनों साइड में कली जोड़ेंगे। अगर आपने 7 इंच लिया है तो आपका 6 इंच ही रहेगा। तो इस पार्ट को भी मैं कट कर ली। तो देखिए, इतना पीस हमारा ये सेपरेट बच गया जो कि मोहरी में हम यूज कर लेंगे। तो जो ये सेंटर पार्ट है इसको भी हम साइड में रख देते हैं। ये दो हमने पीस कट कर लिए, ये दोनों पैरों के सेंटर पार्ट है। तो देखिए, जो हमारा ये पीस बचा है तो इसकी जो लंबाई बची है अभी हमारी, ये देखिए 43 इंच बची है, जो कि हमारे साइज के अनुसार ये करेक्ट है। और जो इसकी विड्थ है वो 42 इंच है। ये काफ़ी विड्थ वाला कपड़ा है। अगर आपका इस तरह कपड़ा है तो बहुत सुंदर सलवार आपका बनेगा। तो देखिए, अभी मैं आपको बताती हूँ इसका आसन लेने का तरीका। तो ये कपड़ा जो है मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और आसन आप 10 इंच ले लें, और बाकी का आपका अगर साइज आसन ज़्यादा है तो आप इसको 11 इंच भी ले सकते हैं, अगर कम है तो आप 9 इंच भी ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर 10 इंच ले लिया। इसके बाद हम यहाँ पर 3 इंच तक यहाँ पर स्ट्रेट एक लाइन खींच लेंगे, क्योंकि हमने जो बेल्ट सेंटर पार्ट लिया था वो 8 इंच लिया है विथ मार्जिन। तो जब हमारा सिलाई करेंगे तो 7 इंच बचेगा और हमारी मोहरी है 9 इंच, 18 इंच, मतलब सिंगल में करेंगे, डबल में 9 इंच। तो जो 2 इंच होगा वो हमारा इसमें से ऐड हो जाएगा, 1 इंच हमारा ये मार्जिन रहेगा। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच ले लिया है और आसन 10 इंच ले लिया है। देखिए, हमने एक कोने पर इधर मार्किंग लगा दी है और दूसरा मार्किंग हम इस कोने पर लगाएंगे, जो कि हमारा बंद हिस्सा है, यहाँ से लेके 10 इंच लेंगे, फिर यहाँ से 3 इंच जैसे कि हमने ये लिया है। और फिर क्या करेंगे, इसको पूरा इस तरह से सेंटर में लाइन क्रॉस में आपको ड्रॉ करना है। तो देखिए, 10 इंच पे मैंने निशान लगा लिया और सेम आपको 3 इंच लेना है। अभी आपको करना क्या है, इस कोने को लेके और इस कोने से पूरा ऐसा क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ कर देना है। देखिए, जो मैंने पॉइंट दिए हैं यहाँ पर 3 इंच पे और दूसरे कोने पर 3 इंच पे, तो इस तरह से क्रॉस में आप टेप को रख लें और सेम लाइन टेप की साइड में ही आप इस तरह से मार्किंग कर दें, जिससे क्या है आपका ये परफेक्ट गली तरीके तैयार हो जाएगा हमारा। तो देखिए, मैंने इस कोने से लेके और इस कोने तक मैंने ड्रॉ कर लिया है। अभी हमको क्या करना है, जैसे हमने 3 इंच लिया है तो ये पार्ट हमको दिखाना है यहाँ पर। तो आप इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींच लें दोनों साइड। दोनों साइडों में इसी तरह से पॉइंट लगा दिए और हमने ये लाइन भी ड्रॉ कर लिया क्रॉस में। तो आपको करना क्या है, यहाँ से पहले इसको देखिए, दोनों साइड के पीस मैंने निकाल दिए। अभी देखिए, ये पार्ट हमारा क्लोज है, तो आपको क्या करना है, ये सेंटर से कट कर देना है। इसी तरह आप दोनों पैरों के आसन और दोनों कलियों को ज्वाइंट कर लें।
तो एक पैर के आपके तीन पीस हो जाएंगे, क्योंकि दो हमारी कली हो जाएंगी और एक हमारा सेंटर पार्ट हो जाएगा। जैसे आपका ये पार्ट पूरा ज्वाइंट हो जाते हैं, दोनों कली और सेंटर पार्ट थ्री पीस हो जाते हैं, इसी तरह दोनों पैर स्टिच कर ले, जो नीचे है मोहरी वो तैयार करें। उसके लिए जो हमारा ये हमने सेंटर पार्ट कर दिया था, जो कपड़ा बचा है इसमें से हम मोहरी के लिए कपड़ा निकाल लेते हैं। तो देखिए आप इसको 3.5 इंच या 4 इंच ले सकते हैं, डबल फोल्ड में। डबल फोल्ड में आप अंदर बुकरम डाल दिए, बहुत ही अच्छी मोती बनेगी आपकी। ये मैं डबल में कट कर देती हूँ हमारी मोहरी के लिए। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर बुकरम रखनी है, बुकरम रखे इस तरह से सेट कर लें और फिर यहाँ पे आप इसको स्टिच कर दें। स्टिच करने के बाद ये मोहरी को आप अंदर की तरफ पलट दें। देखिए हमारी जब मोहरी भी तैयार हो जाती है, उसके बाद हमारी ये 6 कली भी तैयार हो जाती है। आपको करना क्या है, ये आसन भी दोनों पैरों के ज्वाइंट कर लें। तो देखिए ये हमने एक पीस आगे का ले लिया है और एक पीस पीछे का, तो इन दोनों पीसों को इस तरह से स्टिच कर देंगे सेंटर से, तो ये दोनों पार्ट हमारे बैक साइड की हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, या तो एक बॉक्स प्लेट इस तरह की 2 इंच की एक प्लेट इधर से लेंगे और एक प्लेट इधर से लेंगे, इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो नॉर्मल आप 1-1 इंच की 2 प्लेट दोनों पार्टों से ले लें बैक साइड से। उसके बाद जब प्लेट आप ले लेते हैं, उसके बाद फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो कमर का मेजरमेंट है, जैसे कि मैंने बताया मेरा 26 इंच है, तो यहाँ से मैं इसको 13 इंच लूंगी। तो देखिए जैसे प्लेट डालोगे आप, प्लेट डालने के बाद आप यहाँ से 13 इंच में इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लें और उसके बाद क्या करें, यहाँ पे कट देते हैं। कट देने के बाद ये आपका प्लेन रहेगा, ओनली बैक साइड में 2 प्लेट रहेगी। उसके बाद जितना भी कपड़ा हमारा बचेगा उसमें आपको प्लेटें डालनी है। तो प्लेट देखिए मैंने अपने साइज के अनुसार लिया है 13 इंच। आपका साइज अगर कम ज्यादा है तो आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो जब आप मार्किंग कर लेते हैं उसके बाद आपको प्लेट डालनी है। तो प्लेट रखने को हमारा कपड़ा काफी है, तो हमको प्लेटें भी बड़ी बड़ी डालनी है। इस तरह से आप 1.5 इंच की भी प्लेट डाल सकते हैं। तो प्लेट आपको यहाँ से डालनी है जो हमारी मार्किंग है, आपका इस तरह से आनी चाहिए। तो प्लेटें जो है आपको एक ही साइड में दोनों साइडों की पैर भी आनी चाहिए। जैसे एक पैर की मैंने इस तरह से डाली, तो जो दूसरा पैर आएगा तो उसकी प्लेटें जो है इस तरह से अपोजिट आएंगी। इस तरह से हम पूरे कपड़े में प्लेट डाल देते हैं। देखिए जब हमारी प्लेट पड़ जाएंगी तो ये पीस आपका पूरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो बेल्ट है, जैसे कि मैंने बताया 26 हमारा पूरा डबल में आ रहा है, सिंगल आप करेंगे तो 52 इंच आएगा। तो जो मैंने ये कपड़ा लिया है, इस कपड़े को आप इस तरह से, मैंने अभी आपको इसकी चौड़ाई बताती हूँ, लंबाई बताती हूँ, जितनी मुझे चाहिए उतना लेना है, जो एक्स्ट्रा पीस है उसको कट कर दें। तो बेल्ट की चौड़ाई लेनी है हमको, वो 9 इंच लेनी है। देखिए आप इस तरह से प्लेट डाल लेंगे। तो देखिए जब आप बेल्ट काट लें, अगर आपका कपड़ा एकदम जॉइंट में है तो आपको बीच में जॉइंट लगाने की जरूरत नहीं। जैसे मेरा कपड़ा दो अलग अलग पीस है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टिच डाल देंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करके बाहर से स्टिच डाल देंगे, इसकी फिनिशिंग आ जाएगी। अभी सेम दूसरे पार्ट में भी आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 1.5 इंच ओपन रखना है। ओपन रखने के बाद यहाँ से ऐसे स्टिच डाल देना है और फिर इस कपड़े को आपको इस तरह से पलट देना है। तो इससे क्या है, जो आपका नेफा रहेगा यहाँ पर बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। और उसके बाद ये दोनों तरफ इस तरह से आप सिलाई डालें, तो जो आपके पार्ट होंगे दोनों वो कुछ इस तरह से आएंगे सेंटर। तो जो सेंटर पार्ट है वो आपको आगे की तरफ लेना है, जिसमें आपने ये ओपन रखा है नेफा पे, और जो क्लोज हिस्सा है वो बैक साइड में। तो हमने यहाँ पे 1.5 इंच ये ओपन रखा है, तो क्या करना है आपको, 1/2 इंच तो इस तरह से फोल्ड करना है और 1 इंच हमको ऐसे प्लेन छोड़ देना है। तो हमारा जो नेफा है यहाँ पे ये फिनिशिंग आ गई और इस तरह से आप पूरा स्टिच करना है इसको। नेफा आपका भी बेल्ट पूरा रेडी हो जाता है, उसके बाद आप इसमें अटैच करना। तो आप इस आसान तरीके से ये फुल पटियाला सलवार बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।